कहते हैं बचपन में जो हमें अनुभव होते हैं वो हमारे लंबे समय तक काम आते हैं और हमारे दिलों में समा जाते हैं। ऐसे ही कुछ अनुभव भीमराव अम्बेडकर जी के साथ हुए जो कि उन्हें आगे चल के काम आए और उन्होंने उन पर ही अपने आगे कार्यों की कहानियां चली। बचपन में भीमराव को पग पग पर हिंदू धर्म की छुआछूत की मार झेलनी पड़ी। इससे बालक भीम के कोमल मन पर जो घाव लगे वो जीवन भर रिसते रहे और इसी कारण बाबा साहब हिंदू धर्म से घरोण घृणा करने लगे। घोषणा की, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा ये मेरे बस में है। इससे हमें पता चलता है कि हिंदू धर्म में हो रहे छुआछूत के इस भेद से बच्चों के कोमल मन को क्या असर पड़ता होगा और भीमराव जी के कोमल मन में बड़े उन गहरे घावों से ये बात सामने आई, क्योंकि यही वह धर्म है जो आदमी आदमी में समानता का भाव पैदा करता है। मुंबई जैसे शहर में पेंशन के 50 रुपए से घर चलाना सूबेदार राम जी के लिए बहुत कठिन हो रहा था। अतः उन्होंने सतारा के निकट गोरे गांव में एक प्राइवेट नौकरी कर ली और वहीं रहने लगे। एक दिन भीमराव अपने बड़े भाई आनंद राव और एक छोटे भांजे के घर गोरे गांव की ओर रवाना हुए। भीमराव ने अपने आने की सूचना सूबेदार राम जी पत्र द्वारा पहले ही दे दी थी, पर किसी वजह से वह पत्र सूबेदार जी तक नहीं पहुंचा। जब बच्चे मैसूर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी से उतरे तो अपने किसी भी व्यक्ति को स्टेशन पे ना पाकर चिंतित हो गए। गोरे गांव तो जाना ही था। 3 बालक, शाम का वक्त और अनजान नगर, जिस पर बैलगाड़ी व तांगे वालों ने उन्हें अछूत महीर जात का होने के कारण अपनी गाड़ी में बैठाने से भी मना कर दिया। अब ऐसे में कुछ तो करना ही था। अंत में एक गाड़ी वाहन दुर्गम किराए के लालच में इस शर्त पे तैयार हुआ कि वह स्वयं उनके साथ नहीं बैठेगा, वह पैदल ही चलेगा और बच्चों को स्वयं ही गाड़ी चलानी पड़ेगी। आनंद राव ने गाड़ी चलाई। साय से लेकर आधी रात तक भूखे प्यासे 3 बच्चे यात्रा करते रहे। जब भी इन बच्चों ने पानी मांगा तो श्रवण हिंदू ने गंदे पानी के जोहाड़ की ओर संकेत किया। इस दिन भीमराव ने जाना कि वह एक ऐसी जाति से संबंध रखते हैं जिसमें साफ पानी पीने तक का अधिकार उन्हें नहीं है। भीमराव स्कूल में तो अपमान सह ही रहे थे, पर इस घटना ने भीमराव का दिल ही तोड़ दिया। उन्हें भली भांति इस प्रकार इन बातों का पता लग गया कि छूत लाखों की संख्या में किस प्रकार पशु तुल्य जीवन गुजार रहे हैं। संभव बचपन में जो दुर्व्यवहार इनके साथ हुआ उसी के फलस्वरूप भीमराव का मन हिंदू धर्म के प्रति कड़वाहट से भर गया, क्योंकि हिंदू धर्म में मनुष्य का मूल्य उनके जन्म और जात से ही आका जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।